पंडित रामकृष्ण की बुद्धि का लोहा तो विजयनगर क्या समस्त साम्राज्य मानता है। हाँ, ये भी करके दिखाएंगे, है ना, है ना, है ना। हाँ, अरे क्या, पंडित रामकृष्ण, हम आपको कल तक का वक्त देते हैं। महल बनाने के लिए आपको जितना खर्च लगेगा वो हम आपको देंगे। जो लागत आएगी, जो भी सामान चाहिएगा वो हम देंगे। आप जहाँ मांगेंगे वहाँ देंगे, मगर हवा महल बनाकर आप अपनी अकलमंदी साबित कर दीजिए पंडित रामकृष्ण, नहीं तो अपनी शिकस्त मान लीजिए। ऐसी कोई चुनौती नहीं है जो पंडित रामकृष्ण पूर्ण नहीं कर सकते हैं। पंडित रामकृष्ण के पराजित होने का प्रश्न ही नहीं उठता, हमारा विश्वास है। चाहिए पंडित रामकृष्ण की ओर से ये चुनौती हम स्वीकार करते हैं। ये कार्य तो असंभव है। ये हवा महल बनाते बनाते तो पंडित रामकृष्ण की बुद्धि हवा में विलीन हो जाएगी। हम भैया के लिए भोजन लाए हैं। आपको मात्र कुछ समय के लिए भेंट करने की अनुमति मिली है। जी। इस महल का नक्शा है। ये जो है इस स्थान पे शाही खजाना छुपा हुआ है। इसका मतलब है स्वादिष्ट मिष्ठान। बहुत अच्छा कार्य किया आपने और बहना आपने। अब हमारे पास खाने की सामग्री है और पकवान का भंडार भी। खजाने का मीठा पकवान खाने के लिए हमें पहले मावा बनाना पड़ेगा। थोड़ा कार्य कठिन है परंतु असंभव नहीं। मिष्ठान बनाने के पश्चात सबको भाग बराबर मिलेगा। हम दोनों मिष्ठान बनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। जल्द ही मैं विजयनगर राज्य का सारा मिष्ठान अर्थात खजाना चुरा लूंगा और किसी को संदेह भी नहीं होगा कि ये सारी चोरी मैंने कारावास में रहकर की है। महाराज सदैव फंसा देते हैं मुझे। बोल तो दिया हवा में महल बनाना है, लेकिन तू हवा में महल बनाना असंभव है, असंभव। लेकिन तू कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। पोता उड़, मैना उड़, चिड़िया उड़। एक घंटे कुमार चाचू कम थे जो ये मामा भी आ गए। फुर 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 फुर। मनी। हाँ हाँ। रामा गुरुदेव, मुझे ज्ञात है आप बहुत बिचली थे उस पहेली को लेकर। हाँ, मैं भी उसी विषय के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, मेरे पास एक उपाय है। अच्छा, आपके पास उपाय है? क्या उपाय है? आपको कड़ी तपस्या करनी होगी। भगवान विश्वकर्मा को आपको प्रसन्न करना होगा। एक बार वो प्रसन्न हो गए ना तो एक क्या हवा में दो दो महल बना देंगे वो। दो दो। आ, क्या उपाय दिया है? तो सब कुछ यदि तपस्या करके ही प्राप्त होता है तो हम तो व्यर्थ में ही कार्य करके समय नष्ट कर रहे हैं। क्यों, उचित कहा ना मैंने? वही तो मैं कह रहा था आपसे गुरुदेव, वही कह रहा था। क्या, मैं भी यही तो कह रहा था। सोचने का कार्य मुझे करने दीजिए, चाहिए आप घर के अन्य कार्य कीजिए। जी गुरुदेव जी। भास्कर बोलो अम्मा, बोलो अम्मा। अम्मा, ये तुमने बोला? एक बार वापस बोलो, बोलो अम्मा। अम्मा, आपने सुना, आपने सुना भास्कर ने अम्मा बोला? हाँ। भास्कर एक बार वापस बोलो, बोलो अम्मा। अम्मा, आपने सुना? पापा को भी बता दे। अम्मा, अम्मा। विलंब हो जाएगा, विलंब हो जाएगा, विलंब हो जाएगा। हवा महल बनाने के लिए आपको जो लागत आएगी, जो भी सामान चाहिएगा वो हम देंगे। आप जहाँ मांगेंगे वहाँ देंगे। महारानी चिन्ना देवी, हमने उस पहेली को सुलझाने की बहुत कोशिश की परंतु हमें कोई हल नहीं सूझ रहा है। तो क्या करेंगे हम? लगता है पंडित रामकृष्ण और दोनों महारानियां पहेली का जवाब देने के लिए बेचैन हैं।
हमारे विचार से हमें पंडित रामाकृष्णा से प्रारंभ करना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं गुरुवर? महारानियों के होते हुए भला पहले मैं उत्तर कैसे दे सकता हूँ? महारानियां पद में बड़ी हैं, उचित यही होगा कि पहले उत्तर यही दे। नहीं नहीं, आप ब्राह्मण हैं, पूज्य हैं, आप ही आरंभ कीजिए। नहीं नहीं महारानी जी, आपका अनादर होगा, पहले उत्तर आप ही दें, आप महारानी हैं। हम महारानी हैं तो क्या हुआ, आप ही तो पंडित रामकृष्णा है ना। और हम है कमाल मुस्तफा, ऐसा करते हैं जिससे मजा आ जाए, पुनः मोहतरमा से शुरू किया जाए। हाँ, ये उचित रहेगा। परंतु मोहतरमा है कौन? मोहतरमा आप ही तो हैं। हाँ? मोहतरमा मलिका सदर महफिल, सब आप ही तो हैं, शुरू कीजिए। हाँ ये उचित है, ये उचित है, ये उचित है। ये है 3 सेर का बर्तन और ये 5 सेर का बर्तन। महारानी आपको याद होगा, पहली की शर्त के मुताबिक आप दोनों को इन दोनों बर्तनों का इस्तेमाल करते हुए 1 सेर पानी नापना है। हाँ तो कर तो रही है और हमें पूरा यकीन है कि ये कामयाब भी होंगी। प्रश्न हमारी मूछ और हमारे बालों का है महारानी चिन्ना देवी जी, कुछ कीजिए। पहेली का हल मिल गया है। एक सेर जल नापने के लिए हमें सर्वप्रथम 3 सेर के पात्र को जल से भरना होगा और उसके बाद हम 5 सेर के पात्र में उस जल को डाल देंगे। यदि हम इस 3 सेर के पात्र को पुनः भरकर इस 5 सेर के पात्र में डालेंगे तो मात्र इसमें 2 सेर जल ही आ पाएगा और 1 सेर जल इस 3 सेर के पात्र में शेष रह जाएगा। ये लीजिए मुल्ला नसरुद्दीन महोदय जी, आपका 1 सेर जल। उत्तर सही है या गलत? माशाल्लाह माशाल्लाह, कम वक्त में सही जवाब दी, सही जवाब दी। अद्भुत महारानी चिन्ना देवी, हमारे अतिरिक्त मात्र आप ये कार्य कर सकती थी। धन्यवाद गुरुवर। गुरुवर अर्थात हम नहीं कर सकते थे? नहीं, वो हमारा कहने का तात्पर्य है कि हमारे अतिरिक्त मात्र आप दोनों ही कार्य कर सकती थी। इस पूरी कायनात में ऐसा कोई काम नहीं जो आप ना कर सके। माशाल्लाह क्या खूब दिमाग पाया आपने, वाह। चलो इस बार तो महारानी चिन्ना देवी ने मूंछ और बाल दोनों को बचा लिया, अब आपकी बारी है पंडित रामकृष्ण। महाराज दोनों महारानियों ने अपनी बुद्धि का प्रमाण तो दे दिया, अब अवसर है पंडित रामकृष्ण का। पंडित रामकृष्ण जी, अब आप अपनी बुद्धिमता का परिचय दीजिए हवा में महल बनाकर।
बहुत उड़ रहे थे ना अब तक पंडित रामकृष्णा, अब आके धरती पर गिरोगे। हवा में महल बनाने की तैयारी बाहर सुचारू रूप से आरंभ हो गई है। बड़ी कठिनाई से कुशल कारीगरों की व्यवस्था की है मैंने। कारीगर? हाँ गुरुवर, बड़े ही कुशल कारीगर हैं। संपूर्ण रात्रि लग गई उन्हें ढूंढने में। संपूर्ण रात्रि कारीगर ढूंढते रहे? गुरुदेव, ये तो आपने मुझे बताया नहीं, ये कब किया आपने? मनीष शांत रहिए ना। ये कैसे मुमकिन है? हमने तो पंडित रामकृष्णा को सिर्फ उकसाने के लिए कुछ भी बोल दिया था। ये पंडित रामकृष्णा की आदत है परिहास करने की, परिहास कर रहे हैं। अब बताइए, हवा में महल बनाना भी क्या संभव हो सकता है? कदापि संभव नहीं हो सकता है। अरे तो स्वयं चलकर बाहर देख लीजिए गुरुवर। पंडित रामकृष्ण ने हवा में महल बांधने के लिए कौन सी विचित्र युक्ति लगाई है? चलिए महोदय, सभी दरबार के बाहर जाते हैं और देखते हैं कि ये हवा महल कैसे बन रहा है। जी महाराज, आइए। ये कैसी अजीब सी आवाज है? ये अजीब सी आवाज नहीं है शहजादा महोदय, ये मेरे कारीगरों की आवाज है। सुनिए तो सही कितने उतावले हो रहे हैं। आपको बस उन तक सामान पहुंचाना है। कारीगर उतावले हो रहे हैं? कहाँ उतावले हो रहे हैं? हमें तो कारीगर दिखाई नहीं दे रहे। मात्र उनका स्वर सुनाई दे रहा है। गुरुवर, आप इतने महान हैं, हाँ हैं, विद्वान हैं, बिल्कुल हैं, फिर भी इतनी सरल सी बात नहीं समझ पाए। तो इतनी सी बात समझाइए ना। ये कि जब महल हवा में बनाना है तो कारीगर भी तो हवा में ही होंगे ना। ऊपर देखिए गुरुवर, ऊपर देखिए। महारानी तिरुमलंगा, संयम रखिए। कर लो, ईट लो। तोता मैना, ये तेरे रामा गुरुदेव के तोता मैना कैसे बनाएंगे हवा में महल? बन गया मुंह पे महल। बन गया दूसरा महल। पंडित रामकृष्णा, ये पक्षी हवा में महल का निर्माण कैसे करेंगे? करेंगे महाराज, आप देखते जाइए। हाँ तो शहजादा महोदय, आपने कहा था कि हवा में महल निर्माण हेतु आवश्यक समस्त सामग्रियां आप प्रदान करेंगे। महल बनाने के लिए आपको जो लागत आएगी, जो भी सामान चाहिएगा वो हम देंगे। जहाँ मैं कहूँगा वहाँ प्रदान करेंगे। आप जहाँ मांगेंगे वहाँ देंगे। तो बस जैसा आपने कहा था वैसा कर दीजिए और मेरे कारीगरों तक महल बनाने का सामान पहुंचा दीजिए। और शीघ्र कीजिएगा, अन्यथा महल निर्माण कार्य में विलंब हो जाएगा। विलंब हो जाएगा, विलंब हो जाएगा, विलंब हो जाएगा, विलंब हो जाएगा, विलंब हो जाएगा। अब फंसे शहजादे महोदय। क्या हुआ शहजादा महोदय, आपने महल बनाने की सामग्रियों की व्यवस्था ही नहीं की क्या? शहजादे जी, वचन दिया था आपने कि हवा में महल निर्मित करने की सामग्री आप देंगे, और वो भी जहाँ पंडित रामकृष्ण कहेंगे वहीं देंगे। हाँ, तो अब इन्हें ये सामग्री ऊपर आप ही को पहुंचानी होगी, अन्यथा आप शर्त हार जाएंगे। शहजादे, हम बोली थी ना, पंडित रामकृष्ण बहुत सही है, इसको बेवकूफ नहीं बना सकती। पंडित रामकृष्ण, हम तो
मजाक कर रहे थे। आप इसे हमारी छोटी सी नादानी समझ के माफ कर दीजिए। हम अपनी हार कबूल करते हैं। अति उत्तम पंडित रामकृष्ण, अति उत्तम। अरे क्या फसाया है, वो भी आसमान में। धन्यवाद मंत्री भाई। वाह वाह, बहुत अच्छे पंडित राम, बहुत अच्छे हैं। संभवतः प्रथम बार इस पंडित रामकृष्ण की विजय पर भी हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि शहजादे की हार हुई। हाँ, बहुत उड़ रहे थे ना सौदामिनी के आसपास, अब आ गई बुद्धि ठिकाने पर। बेमिसाल हैं आप, बेहतरीन हैं आप। हम तो कहेगी जब तक सूरज चांद रहेगी पंडित रामकृष्ण आपका नाम रहेगी। वाह 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 वाह। सत्य कहा आपने मौला नसरुद्दीन महोदय, सत्य कहे तो एक क्षण के लिए तो हम भी चिंतित हो गए थे कि पंडित रामकृष्ण अंततः हवा में महल कैसे बनाएंगे। लेकिन पंडित रामकृष्ण अद्भुत हैं आप। आप जैसा बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति संभवतः कहीं नहीं होगा। धन्यवाद महाराज। पंडित रामकृष्ण ने पहेली को हल कर दिखाया। इसका मतलब यह नहीं कि इनके अलावा सारे जहान में कोई और दानिशमंद है ही नहीं। ये सही कहा आपने, सही कहा। अगर आपके पास पंडित रामकृष्ण है तो हमारे पास भी मुल्ला नसरुद्दीन है, जिनकी अकलमंदी एक किस्से दूर दूर तक मशहूर है। हम तो कहते हैं कि आप इन्हें पहेली दीजिए। हमें पूरा यकीन है कि ये उसे जरूर हल कर दिखाएंगे। शहजादे, हमें पहले की जाल में क्यों फंसा रही है? देखते हैं महाराज मुल्ला नसरुद्दीन महोदय से क्या पूछते हैं। हमारी मूछें भले ही महारानी तिरुमलम्बा की वजह से दांव पर लगी थी, परंतु उसका कारण तो आप ही थे मुल्ला जी। अब मिला है अवसर प्रतिशोध का, परंतु पहेली क्या पूछे। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हम बहुत समय से सोच रहे थे कि चांद की सैर कराएं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए, हमारे चांद की सैर के लिए यहां से चंद्रमा तक की सीढ़ियां तैयार करवाइए। ये कैसे संभव है? सच्ची? महाराज, हमें ज्ञात था एक दिन आप हमको चांद पर अवश्य ले जाएंगे। महारानी तिरुमलम्बा, सीढ़ी तो बन जाने दीजिए पहले। वो दिन आ गया। ये कैसी असंभव पहेली दे दी महाराज ने मुल्ला नसरुद्दीन महोदय को। चांद तक सीढ़ी लगाना, चांद की सैर पर जाना, ये तो अवास्तविक है। ये नामुमकिन है। ना। मुल्ला नसरुद्दीन को चुनौती मंजूर है। कल सुबह तक महाराज के चांद तक जाने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन सीढ़ी लगा देंगे। और अगर मुल्ला नसरुद्दीन कामयाब नहीं हुए तो हम हमारे बाल कटवा देंगे। उचित है, तो कल चांद पर सैर करने की प्रतीक्षा करेंगे मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। हम ये कैसे करेगी? क्या किया शहजादे? झुकी झुकी सी नजरें, इनमें कोई पैगाम है क्या?
इन नाजुक सी हथेलियों में जो छिपा है वो मेरा नाम है क्या? सौदामिनी का तो पता नहीं, इसका नाम हमारे हाथों में अवश्य लिखा, हमारे हाथों ही इसकी हत्या होगी। आप राजगुरु हैं, आपके लिए हत्या पाप है। ये भी तो समस्या है। कुछ भी हो जाए, शहजादे को भगाने के लिए हमें ही कुछ करना होगा, अन्यथा हम सौदामिनी को सदा सदा के लिए खो बैठेंगे। वरुण माला जी, स्वामी इधर आओ। ये क्या है? ये शक्कर नींबू का घोल है। किसके लिए लेके जा रही? स्वामी ये सौदामिनी के लिए है, इसे लगाने से मेहंदी बहुत गहरी रचेगी। वरुण माला जी, यहाँ लाओ, हमें तो हम शहजादी को दे देंगे। आप जाइए, जाकर भोजन का प्रबंध कीजिए। स्वामी जोड़ी कितनी अच्छी है ना, बिल्कुल शिव पार्वती जैसी। जाओ जाओ। तने, ये तुम्हें नींबू और शक्कर का घोल शहजादे की शैया पर डालना होगा। रात्रि में जब शहजादा सो रहा होगा, इस शक्कर की सुगंध पाकर चींटियां आएंगी और इस शहजादे को काटेंगी। ये ठहरा शहजादा, हाँ, कष्ट झेल पाएगा, अर्धरात्रि में ही दुम दबाकर भाग जाएगा। महाराज किशनदेव राय ने हमारी कड़वी दवाई हमको ही पिला दी, अब हम चांद तक जाने की सीढ़ी कहां से बनाएगी? पिछली बार हम नगर में घूम रही थी तो पहली घर मिल गई थी, पर इस बार जो है सो आज है, अभी ही है, कल का क्या भरोसा, कुछ पल है हंसी खुशी के साथ में बिताने के। पंडित रामाकृष्णा, उसको मिलेगी तो कोई ना कोई सुराग जरूर देगी हमको। भाई बाया ले, पंडित रामाकृष्णा। रानी, हे ईश्वर, तुम ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं? क्षमा करना, हमारा ध्यान ही नहीं था तुम्हारी ओर। ये क्या ले जा रहे हो तुम इसमें? ओ देखिए ना, सौदामिनी देवी को कितनी अच्छी मेहंदी रची जा रही है, तो ये शक्कर और नींबू का घोल थोड़ा कम पड़ गया था, बस वही लेने जा रहा था। अच्छा लाओ, हमें दो, हम लेकर आते हैं। देखी, बड़ी सुंदर लग रही है मेहंदी, बस एक कमी रह गई। अल्लाह, ये दिखाई। यदि यहाँ पे हम ये एक और ऐसे बनाएं और ये यहाँ तक आ जाए, आज रात्रि तुम्हारी इस घर में अंतिम रात्रि होगी, चींटियां प्रतीक्षा कर रही होंगी आपका शैया पर, आज सारी शायरी भूल जाओगे शहजादे। किंतु गुरुजी, ये घोल तो आपकी शैया पर ही गिर गया है। अरे वाह, आज किसी को निद्रा नहीं आ रही क्या? गुरुदेव की बुद्धिमता की चर्चे ने हम सब की निद्रा उड़ा दी है। और तो और, अम्मा जी, गुरुदेव ने क्या नहले पे ढाला मारा, तोता मैना को हवा महल बनाने का कारीगर बता दिया और सबने बड़ी आसानी से मान लिया। कितने बुद्धिमान है गुरुदेव आप, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। उस बुद्धे का साथ छोड़ के लीजिए। मामू की चंपी से मुझे भी बड़ा आनंद आ रहा है। अब देखना ये है कि मुल्ला महोदय चंद्रमा पर सीढ़ी का निर्माण कैसे करते हैं। हाँ वाह अम्मा, परंतु देखना ये है कि ये तो बुद्धिदास की आवाज है, मुल्ला महोदय उसके साथ तो नहीं आ रहे। अम्मा क्रीमो, अम्मा से पुनः पहले तो नहीं पूछने आ गए, भागो अम्मा, चलो चलो चलो, आ जाओ। अरे इधर नहीं अम्मा, उधर उधर उधर। हाँ
अरे नहीं उधर तो आएंगे। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग इधर? अरे मणि भागो। शारदा मुझे भी बचाओ मुल्ला नसीरुद्दीन जी की पहेली से। प्रणाम मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, आइए आइए पधारिए पधारिए। अरे ये आप ही का घर है। वैसे इतनी रात्रि को कैसे आना हुआ? हम पंडित रामाकृष्णा को अब कैसे समझाएं? हम इनकी मदद मांगने आए हैं पहेली सुलझाने के लिए। अम्मा जी शारदा देवी और आपके बेटे को मिलने को आई है। अब दरबार में आपकी हमारी मुलाकात होती है, ये लोग नहीं मिलती है इसलिए आई। घर में कोई नहीं है क्या? है ना। अरे कैसे नहीं है, सब है, आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं। अम्मा शारदा गुंडप्पा मणि, अरे आओ आओ, देखो तो कौन आया है। मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, तुम सबके प्रिय मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय आ रहे हैं। महाराज बस एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन को अपनी पहेली का हल मिल जाए और चांद पर सीढ़ी लग जाए, उसके बाद तो हम दोनों चांद पर ही रहेंगे। अरे तो महाराज, चांद पर भांति भांति की तरकारी मिलती होंगी या नहीं? इसीलिए हमने आज आपके लिए विशेष भांति भांति की तरकारियों का व्यंजन बनाया है और इनका नामकरण भी किया है। कितनी दूर की सोच रखती हैं आप, तो बताइए क्या है ये भिन्न भिन्न व्यंजन जो आज आपने बनाया है? हमने बनाया है चंद्र खीर अर्थात चंदन की खीर, नाशपाती दाल अर्थात नाशपाती की दाल। उत्तम, अति उत्तम। महाराज ग्रहण कीजिए। जी जी, पहले प्रार्थना करना चाहेंगे हम। क्षमा कीजिएगा चंद्रदेव, आपके नाम पर इन खाद्य व्यंजनों का नामकरण कर दिया है हमारे महारानी तिरुमलम्बा जी ने। महाराज जी, आपने जिस चोर को कारावास में भेजा था, आप कह रहे थे कि वो बहुत ही सज्जन पुरुष है, उसके पास बहुत सारा धन है। यदि उनके पास इतना ही धन था तो उन्होंने अपने लिए भजिया क्यों नहीं क्रय की? उन्होंने असत्य क्यों कहा और स्वयं को निर्धन क्यों बताया? और महाराज सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने चोरी ही क्यों की? अवश्य इस चोरी के पीछे कोई और कारण है जिसका हमें ज्ञात लगाना होगा। मिष्ठान बनाने की तैयारी कैसी चल रही है? दूध चढ़ा दिया है और बहुत जल्द दूध पकने भी लगेगा और मावा भी तैयार हो जाएगा। और मैंने शक्कर और बाकी वस्तुओं की व्यवस्था कर दी है, बस सही आंच पर पकने की प्रतीक्षा है। ध्यान रहे, इस बार दूध जलना नहीं चाहिए, नहीं तो मिष्ठान बनने से पूर्व भी समस्त परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। अति शीघ्र विजयनगर का मीठा पकवान हम खाएंगे। वैसे यहाँ आने का कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो आपका घर है, अब चांद तो नहीं है ना कि वहाँ जाने के लिए सोचने पड़ेगी कैसे जाए। हमको नींद नहीं आ रही थी, आपका याद आई इसलिए मिलने चली आई। मेरी याद आ रही थी? हाँ, हम आपके बारे में सोच रही थी कि आप कैसे कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मशहूर हो गई। सीढ़ी जी सीढ़ी, कामयाबी की सीढ़ी, आप समझ रही ना हम क्या बोल दिए? हाँ हाँ, अब सब समझ आ रहा है। आप पहेली के विषय में बात करना चाहते हैं, चलिए थोड़ा परिहास किया जाए आपके साथ। पंडित जी कहाँ खो गई? हम क्या अर्ज कर रही है आप समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, सब समझ में आ रही है, आ रहा है। बस कोई खास वजह नहीं थी आने की, तो हम चलती है। जी जी जी, जी। पंडित जी। हाँ पंडित जी, हमको लगता है हमको नींद नहीं आएगी, अगर आपको जहमत ना हो तो हम इधर रुक जाए। हाँ मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप जब तक चाहे यहाँ रुक सकते हैं। वैसे ये बताइए कि आपने पहेली का हल तो अब तक ढूंढ लिया होगा ना? मुल्ला महोदय जी, जब आपको पहेली का उत्तर मिल जाए ना तो हमें भी बता दीजिएगा, हम भी चंद्रमा की सैर कराएंगे, ताकि चंद्रमा को भी तो पता चले कि धरती पर यहाँ एक और शांति है। जी जी जी, बस लगभग तैयारी हो गई है, सीढ़ी बन चुकी है, पर एक मुश्किल है, समझ नहीं आ रही कि सीढ़ी को चांद तक पहुँचाए कैसे। उसी प्रकार
जिस प्रकार मैंने हवा महल को हवा तक पहुंचाया था। परंतु आपने तो हवा महल बनाया ही नहीं था, अभी तो शहजादे को उन्हीं के जाल में फंसा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप चलती है, खुदा हाफिज। अभी जाते जाते हमें अम्मा जी और शारदा देवी के लिए एक पहेली याद आ गई। अरे इधर गई, इधर गई सब। चलो चलो कोई बात नहीं, फिर कभी हम आ जाएगी पहेली पूछने के लिए। जी जी बुद्धि दास आओ हमारे साथ। ये कौन कमबख्त इतनी रात को गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है? हमारी नींद ये क्या, इतनी जल्दी सुबह हो गई और गुरुवर अब ना भी लिए। याद नहीं हमें हमारे गुरुवर के ऊपर इतनी सारी चिट्ठियां ना जाने कहां से आ गई। हमारे स्वामी है ही इतने मीठे कि सारी चिट्ठियां उन्हीं की तरफ चली आई। हमने तो धनी को नींबू शक्कर का घोल शहजादे की शैया पर डालने को कहा था, फिर ये चींटियां हमारी शैया पर कैसे आई? इस धनी को तो हम छोड़ेंगे नहीं। बची थी स्वामी, वो भी मार दी। स्वामी प्रणाम गुरुवर। गुरुवर, आपके मुख पर ये लालिमा कैसी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं कुछ तो हुआ है। नहीं नहीं कुछ विशेष नहीं। वो क्या है कि हम गुरुवर, ये आपके मुख को क्या हो गया? मैंने भी यही पूछा। हाँ कुछ नहीं हुआ मंत्रीवर। वो क्या है कि रात्रि में गुरुवर आपके चेहरे का भूगोल क्यों निकला हुआ है? मैंने भी यही पूछा। हाँ? क्या पूछ रहे थे? जो भूगोल है वो इतिहास बन चुका है। मतलब देखिए हम बताते हैं, ध्यानपूर्वक तीनों सुन लीजिए। वो हुआ ये कि रात्रि में जब हम विश्राम के लिए गए, महाराज कृष्ण देव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की, महाराज कृष्ण देव राय की। महारानी चिन्ना देवी जी, गुरुवर के चेहरे की दुर्गति किसने बना दी? गुरुवर आपके मुख को क्या हुआ है? सभी एक ही प्रश्न पूछ रहे हैं और कार्य नहीं है किसी के पास। क्या हमने कहा था ना कि महाराज या महारानी पूछेंगे तभी हम उत्तर देंगे। गुरुवर प्रश्न महारानी जी ने ही पूछा है। इसीलिए महाराज हम उत्तर दे रहे हैं। महाराज वो क्या हुआ? महाराज
रात्रि में जब हम विश्राम कर रहे थे, विश्राम नहीं कर रहे थे, हम साधना में लीन थे, तो अनायास एक तीव्र प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और तत्पश्चात चींटियों ने काटा है महाराज। वाले मुस्तफा बीच में क्यों टपका? हमारा मतलब है महाराज, चींटियों के हमले की वजह से गुरुवर का चेहरा गमले जैसा हो गया। गुरुवर हमारा इतना रख चूसते थे, चींटियों को भी तो अवसर मिलना चाहिए था ना। ये तो मुल्ला नसरुद्दीन जी की आवाज है। आए चल के देखते क्या हुआ। आ बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, उठिए। अरे उठिए उठिए उठिए, संभाल के संभाल के। मुल्ला जी चोटी तो नहीं? आइए 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 आइए, बैठिए। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, आप गिर कैसे गए? आंखों के सामने अंधेरा छा गई, हम अर्श पे थी, फर्श पर आ गए। ओ, आपको इस अवस्था में भी कविता सूझ रही है? ये कविता पाठ करने का समय नहीं है, कुछ समय पश्चात कर लीजिएगा। आप ये बताइए कि आप गिरे कहां से? हाँ, बताइए। चांद पर से गिरी। चांद से? महाराज के पहली के मुताबिक हम चांद पर जाने के लिए लंबी सीढ़ी बनाई, उस पे चलकर चांद पर गई। जैसे पहला कदम चांद पे रखी, चांद जनाब गुस्सा हो गई, बोले बिना इजाजत हमारे राज में आप घुसी कैसे? हम उनको मकसद बताई, मकसद सुनकर और आग बबूला हो गई, हमारी सीढ़ी छीन ली और बोली जाओ महाराज से कहो कि इतनी बेसब्री है तो खुद आओ सीढ़ी ले जाओ। बहुत तकलीफ से। ये तो आवश्यकता से अधिक चतुर है। चांद जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? हम अभी जाकर चांद जी से वार्तालाप करते हैं। क्या बात करती? महारानी तिरुमलम्मा, कैसे जाएंगे आप? हाँ? सीढ़ी तो चांद के पास है ना? अच्छा अच्छा जी। अद्भुत मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, अद्भुत। चांद ने सीढ़ी छीन ली। अच्छा लगा हमें आपका ये तर्क। अच्छा तर्क है। तो क्या निर्णय हुआ, हम चांद पर जा रहे हैं या नहीं? नहीं छोटी महारानी, हम नहीं जा रहे। परंतु क्यों? महाराज, अब तो आप मानेंगे कि हमारे मुल्ला नसरुद्दीन की अकलमंदी भी किसी से कम नहीं, बेहद अकलमंद है वो। हम तो मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की बुद्धिमता से पहले से प्रभावित है। चले भीतर चलते हैं। आइए। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? दुरुस्त फरमाई, दुरुस्त फरमाई। महाराज और शहजादे दोनों मिलकर हमारे साथ सदैव परिहास करते रहते हैं। जान मुसीबत में डालती है। तो क्या कहते हैं, हम भी इन्हें बता दें कि ये यदि शेर हैं तो हम भी सवा शेर हैं। नेकी और पूछ पूछ बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ, क्या कीजिए? श्री गणेश कीजिए। नहीं, मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, देखिए मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ कि शहजादे अकलमंद हैं, किंतु मेरे महाराज भी अत्यंत बुद्धिमान हैं। हाँ, हम मानती है, मानती है कि महाराज बहुत अकलमंद है, पर हमारे शहजादे के लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। तो मेरे महाराज के लिए कहाँ कुछ असंभव है? हमारा शहजादा पत्थर निचोड़ के पानी निकल सकती है, और मेरे महाराज चाहे तो उसी पत्थर में पुनः जल डाल दे। शहजादा चाहे तो पानी में आग लगा सकती है, और मेरे महाराज चाहे तो आग को पानी की भांति शीतल कर दे। हाँ, अवश्य ही पंडित रामकृष्ण के मस्तिष्क में किसी नई युक्ति ने जन्म लिया होगा। बस केवल अपनी सीमा ना लांघ दे। देखिए महाराज, अब ये मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। शहजादे, ये हमारी इज्जत का सवाल है।
तो प्रश्न क्या है? देखिए महाराज, ये हम दोनों जानते हैं कि आप दोनों अत्यंत बुद्धिमान हैं, किंतु अब ये तय करना आवश्यक है कि आप दोनों में अधिक चतुर कौन है ना? सही, बिल्कुल सही। लेकिन ये तय होगा कैसे? वैसे ही जैसे हमने साबित किया, आप भी साबित कीजिए। अर्थात पहले सुलझा कर। देखा देखा मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, मैं कहता हूँ ना, मेरे महाराज अत्यंत ही बुद्धिमान है, समझ गए? गुस्ताखी माफ, पर आप दोनों को एक पहेली का हल ढूंढना होगी। देखिए ये एक महाराज एक शहजादे, ये कितनी सी पहेली, कौन सी बड़ी बात है? आप दोनों ने तो बड़ी बड़ी जंगें जीती हैं, ये अदना सी पहेली क्या चीज है? सत्य कहा आपने मुल्ला महोदय जी, हमारे महाराज के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप अपनी पहेली पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ। तो पहेली ये है, आप दोनों को ये कलश 1,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचना होगा, और इसके लिए आप दोनों अपने पद का दबाव किसी पर भी नहीं डाल सकते। आप दोनों को साधारण व्यापारी बनकर अपनी ही दरबारियों को ये कलश 1,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेचना होगा। कोई मूर्ख इस साधारण से कलश को 1,000 मुद्राओं में क्रय करेगा। बजा फरमाती हैं आप, हमें आपसे ही इस अकलमंदी के सवाल की उम्मीद थी। धन्यवाद है गुरुवर, यही तो पहेली है। अच्छा, इन्हें सबको यकीन दिलाना होगा कि हजारों सिक्कों के लायक है ये, और इस कलश की खूबियां भी बतानी होगी। ये तो नामुमकिन है जी, ये असंभव है। हवा में महल बनाना भी तो असंभव था। यदि चांद तक सीढ़ी बनाना संभव हो सकता है, तो ये कैसे असंभव हो सकता है? जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आप दोनों के पास पूरा दिन का वक्त है। सर्रा नवाजी आपकी मुल्ला नसीरुद्दीन, जो आपने हमें इतना वक्त दिया। आप तो जानती हैं हमारा कितना बड़ा दिल है। सही कहा। महाराज, या तो इस पहेली को पूरी करें या अपनी पराजय स्वीकार कर लें। इस साधारण से कलश को 1,000 स्वर्ण मुद्राओं में किसको बेचेंगे? उठने की आवश्यकता नहीं है, बैठिए आप। शहजादे साहब, महारानी तिरुमलम्बा, ये कलश अत्यंत अद्भुत है, अब अष्ट धातुओं से बना हुआ है। अष्ट धातु क्या होती है? वो शहजादे, अब महारानी, अष्ट धातु के कलश में पानी पीने से आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। परंतु हमें तो कोई रोगी नहीं है। लेकिन महारानी, इस कलश में सिर्फ एक खूबी नहीं है, खूब सारी खूबियां हैं इस कलश में। अच्छा, वो क्या है कृपया बताइए। अगर कागज पर लिखकर आप अपनी कोई भी ख्वाहिश इसमें डालेंगी, तो आपकी वो तमन्ना पूरी हो जाएगी महारानी। ख्वाहिश पूरी होगी है तमन्ना? महारानी जी, दोनों एक ही होते हैं, ख्वाहिश तमन्ना। ओ अच्छा। अरे तो दोनों का अर्थ होता क्या है? मनोकामना। हमारी तो समस्त मनोकामना महाराज पूर्ण कर देते हैं, तो हमें इस कलश की कोई आवश्यकता नहीं। शहजादे साहब जी, ये मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय पंडित रामकृष्ण ने किस मुसीबत में फंसा दिया अनुभव को? जी महाराज, अगर हमारा बस चलता तो हम 1,000 सोने के सिक्कों में पंडित रामकृष्ण को ही खरीद लेते। हमें पहेली का हल मिल गया महाराज। कितने दिन हो गए ना, आपने हमसे उचित प्रकार से वार्तालाप भी नहीं किया। हाँ, घर पे शहजादे कमाल थे ना, अब घर पे अतिथि होंगे तो उनकी सेवा तो करनी होती है ना। कितने
कितने अच्छे हैं शहजादे कमाल, क्या व्यक्तित्व है शहजादे कमाल का। ये क्या कमाल 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 लगा रखा है, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है आपको उस बवाले मुस्तफा के साथ देखकर। बवाले मुस्तफा नहीं, कमाले मुस्तफा। परंतु आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए, आपकी शिष्या को इतना उत्तम वर्जो मिल रहा है। हाँ, हम उनसे विवाह करने की सोच रहे हैं। शहजादे ने हमसे विवाह का निवेदन भी किया है और हम तेहरान जाकर उनकी मल्लिका बनेंगे। हाय, सोच कर भी कितना उत्तम प्रतीत होता है, शहनशाह कमाल मुस्तफा और कमाल सौदामिनी मल्लिका। आप क्या कह रही हैं? यह असंभव है, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। स्वयं तो विजयनगर के महाराज बन नहीं पाए और हमें तेहरान की मल्लिका बनने से क्या रोकेंगे आप? सत्य का आटा गुरु माता ने, आप न घर के रहे न घाट के। सत्य कहते भी पाप हो गया अब तो। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, आज आप आसन ग्रहण कीजिए और आनंद उठाइए। क्या बात करती है, आइए आइए। शुक्रान शुक्रान। आइए गुरुजी, गुरुजी वो देखो, ये अपना आसन देकर पंडित रामकृष्णा ये क्या प्रपंच कर रहा है। गुरुजी अवश्य आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। आज आगे खड़े हो जाओ। सावधान, महाराज कृष्णदेव राय और शहजादे कमाल मुस्तफा के मध्य कलश बेचने की प्रतियोगिता अब आरंभ होगी। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। महाराज व्यापारी के वेश में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। नियम अनुसार दोनों प्रतियोगियों को एक एक अवसर प्रदान किया जाएगा। जो भी प्रतियोगी सर्वप्रथम इस कलश को 1000 स्वर्ण मुद्राओं में दरबारियों को बेचेगा उसे विजयी घोषित कर दिया जाएगा। सभी हमारी बात को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये मुद्रा उछालने पर तय होगा कि पहले कौन प्रारंभ करेगा। अब चूंकि राजगुरु हम हैं तो ये मुद्रा हम ही उछालेंगे। यदि मुद्रा का ये भाग समक्ष होगा तो पहले महाराज प्रारंभ करेंगे, और यदि सिक्के का ये भाग ऊपर आया तो पहले बवाले कमाले मुस्तफा प्रारंभ करेंगे। अब हम सिक्का उछालते हैं। महाराज ये इसकी आवश्यकता नहीं है गुरुवर। परंतु महाराज ये निर्णय कैसे होगा कि ये कलश को पहले कौन बेचेगा? ये कलश हम दोनों साथ मिलकर बेचेंगे। जैसी आपकी इच्छा। ये अत्यंत साधारण कलश है, इसकी 1000 मुद्राएं तो कोई नहीं देगा। इस कलश को खरीदेगा उस खरीदार को इस कलश के साथ में बेश कीमती चीज मुफ्त मिलेगी। अच्छा, इस कलश के साथ निशुल्क मिलेंगे। क्या मिलेगा? पंडित रामकृष्णा और मौला नसरुद्दीन। ये सौदा तो अत्यंत लाभदायक है। हम 1000 स्वर्ण मुद्राओं में ये कलश लेते हैं। इतने कम मूल्य में पंडित रामकृष्ण और मौलाना नसरुद्दीन जैसे बुद्धिमान कहाँ मिलेंगे? हम इस कलश के 3000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। कलश हमें चाहिए। हम 5000 मुद्राएं देंगे। 6000 मुद्राएं हम देंगे।
सात सात मुद्राएं हम देंगे, आठ सहस्त्र मुद्राएं हम देंगे। चर्चे हमारे जमाने में सरेआम हो गई, जाने कैसे कब चले बाजार हम नीलाम हो गई। सत्य कह रहे हैं मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, ये दोनों ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम मनुष्य हैं, हमने कैसे बेच सकते हैं? पंडित जी, ये मजाक बहुत महंगा पड़ गई, बहुत अधिक महंगी। जी जी जी, हाँ हम माफी चाहती है, माफी चाहती है, हम अपने मुल्क को वापस जाएंगे। मुल्ला जी, आप कैसे जा सकते हैं? हम आपके लिए और पंडित रामाकृष्णा के लिए ही इतना मूल्य दे रहे हैं। शांति 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 रखिए, सब शांति रखिए महाराज। हम दोनों अभी इसी समय ये प्रतियोगिता निरस्त करते हैं, बोलिए ना मुल्ला। खारिज 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 खारिज। ये कैसे संभव है पंडित रामकृष्णा? मुल्ला नसरुद्दीन महोदय जी, अभी तो लोगों ने बोलियां लगानी शुरू की है। बिल्कुल पंडित रामकृष्णा, हम तो ये देखना चाहते हैं कि ये कलश कितने सोने के सिक्कों में बिकता है। कैसी बातें करते हैं शहजादा महोदय। महाराज, हम दोनों ने आप दोनों से ये पहेली मात्र इसलिए पूछी थी ताकि आप दोनों ये समझ सके कि किसी भी पहेली को हल करने में कितना परिश्रम लगता है। हम दोनों तो मात्र आपसे छोटा सा परिहास कर रहे थे, बोलिए ना। हाँ, ये सही बोलती है, हमने यूं ही मजाक में आपको चुनौती चुनौती वो दे दी थी। हाँ। महाराज के साथ परिहास 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 नहीं पंडित रामकृष्ण, इसे हम त्रुटि कहेंगे। जी तो करता है कि गले तक जमीन में गड़वा कर घोड़े दौड़वा दे। आपने हमसे प्रयास किया, चलो एक क्षण के लिए हमने मान भी लिया कि हमने आपको अपना मित्र कहा है। हम राजा है परंतु हमने आपको अपना मित्र कहा है, परंतु ये अतिथि हैं, वो भी विदेश से आए हैं, शहजादे हैं, राजा है कहीं के, इनके साथ परिहास करने के विषय में आपने विचार भी कैसे कर लिया पंडित रामकृष्ण? सत्य वचन। मुल्ला नसरुद्दीन, आप अब तो जहीन है, उम्र दराज है, फिर भी आपने हमारी और महाराज की इज्जत का जरा ख्याल नहीं किया। पंडित रामकृष्णा, आप दोनों ने हमारी परीक्षा नहीं ली, प्रयास करने का प्रयास किया है। और इस उद्दंडता का दंड तो आप दोनों को अवश्य मिलेगा। क्षमा चाहते हैं महाराज, परंतु पंडित रामकृष्ण मात्र आपसे ये। महामंत्री जी, हस्तक्षेप नहीं, ये कोई छोटा अपराध नहीं है। ये तो हमने सोचा भी ना था। बहुत शौक था ना महाराज को पहली सुलझाने के लिए देने का। अब तुम्हारा जीवन उलझ गया है पंडित रामकृष्णा। महाराज, ये अपराध नहीं, ये तो पाप है, घोर पाप है, और इसका दंड इन दोनों को अवश्य मिलना चाहिए। जी। और इस अपराध के लिए मुल्ला नसरुद्दीन महोदय और पंडित रामकृष्ण, आप दोनों को एक माह के लिए कारावास दिया जाता है। महाराज, महाराज एक पहेली पूछने की इतनी बड़ी सजा? खामोश, यही हमारा और महाराज का फैसला है। हम निर्णय ले चुके हैं, इन्हें शीघ्र अति शीघ्र बंदी बना लिया जाए और कारावास में डाल दिया जाए। Thank you.
अले वाह शालदा, कितने समय पश्चात तुमने केसर का हलवा बनाया है। तनिक चख लू। कदा भी नहीं, पहले वो चखेंगे उसके पश्चात तुम। आज अचानक अपने पति के लिए इतना प्रेम कहाँ से आ उमड़ पड़ा शारदा? इतने दिनों पश्चात हम घर पुणे लौटे हैं और आते ही महिला मंत्रिमंडल के कार्य में से हमें समय ही नहीं मिला, तो इसलिए हमने सोचा कि आज इनका प्रिय केसर का हलवा बनाएंगे। सही दिया। मैं तो महाराज को राजा से पूर्व अपना मित्र मानता था, किंतु उन्होंने एक तुच्छ से परिहास के लिए इतना कठोर दंड दे दिया। हम भी तो शहजादे को अपनी औलाद की तरह मानती थी, अपने हाथों से उनको खिलाया, पर देखो उसी हाथों ने हथकड़ी पहना दी। वो कहते हैं ना, राजा आखिर राजा होता है, वो सुल्तान है, महान है, वो खास है, हम आम है, मगर हुजूर वाला हम आप ये सैनिक सब उसका अगला सा गुलाम है। सत्य वचन, सत्य वचन। आइए सिर्फ किस तरफ? यहाँ नहीं, उस तरफ है। वो सैनिक महोदय, आप हमें बंदी गृह का भ्रमण कराने लाए हैं क्या? आपको स्मरण भी है कि हमें कौन से कारागृह में ले जाना है? भाई सजा से पहले चला चला गया, हमारा दम निकालेगी क्या? हमारी उम्र का तो लिहाज करो। आमोश। मिल गया, मिल गया, यही वो कारागृह है। मिल गया। महाराज ये चोर है, इसने सेठ की दुकान से भजिया चुराया है। अरे ये तो वही भजिया चोर है। अनर्थ हो गया। गुरुदेव को अनर्थ हो गया। गुरुदेव को क्या हुआ? गुरुदेव को महाराज ने कारावास का दंड सुना दिया है। ईश्वर, गुरुदेव कर्मचारी को कारावास? गुरु माता, वो बुढ़ा मेरा गुरुदेव नहीं है, मेरे गुरुदेव पंडित रामकृष्ण हैं, और पंडित रामकृष्ण जी ने यानी मेरे गुरुदेव ने महाराज से पहले पूछी, महाराज ने उन्हें कारावास का दंड सुना दिया, कारावास भेज दिया। लामा को कारावास? ठीक है, कारावास ही हुआ है ना, हमें तो लगा पता नहीं क्या घटित हो गया। रामा के भाग का हलवा तो मुझे दे देना, उचित है अम्मा। नहीं मुझे। अच्छा, हम दोनों को ही दे देंगे। हे भगवान, मेरे बापू कारावास में है और इन्हें हलवे की पड़ी है। अम्मा जी, मेरे प्रिय गुरुदेव पंडित रामकृष्ण जी को कारावास हुआ। उठा लो। क्या उठा ले? जल का कलश उठा लो और पी लो, तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। कैसा परिवार, पंडित रामकृष्ण जी, मेरे प्रिय गुरुदेव को कारावास हुआ है और आप लोगों को कोई चिंता ही नहीं है। तो इसमें नया क्या है? हर समय किसी न किसी नई मुसीबत को स्वयं ही न्योता दे देता है। वो रामा है, दो दिवस में उन्हें घर वापस लौट आएगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शारदा, तू थोड़ा हलवा इसको भी दे दे। अच्छा, थोड़ा सा देना। ला, हम तो चिंता में अभी सुधाई भूल गए थे, मंगा थोड़ा ज्यादा मंगा ला। स्वागत है अष्ट दिग्गज पंडित रामकृष्ण जी और तेहरान के महाज्ञानी मुल्ला नसरुद्दीन जी, परंतु ये कारावास तो हमसे चोर चकोर तीर्थ स्थल है। आप दोनों यहाँ पे? अरे आप तो बड़े सज्जन और बुद्धिजीवी पुरुष हैं, आपने क्या अपराध कर दिया? परिहास का दंड है, परिहास का। आप मेरे साथ परिहास कर रहे हैं? भाई साहब हाथ जोड़ती है, एक मजाक की तो यहाँ पहुंची है, आगे मजाक करने की हिम्मत नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, इससे अच्छा तो हम कोई अपराध ही कर लेते। अरे बिना गलती के महाराज ने हमको सलाखों के पीछे भेज दी, हमने क्या की थी? दिमागी गुत्थी सुलझाने को दी थी ना, बदले में वो क्या करती? हमको तीन चार गुत्थी सुलझाने को देती ना, ये क्या कैद खाने में भेज दी, वो भी एक महीने के वास्ते। उम्मीद कैसे रह पाएगी? संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी मेरे संग इस कारावास में है, ऊपर से महाराज से असंतुष्ट भी, ये तो सोने पे सुहागा है। यदि इनके मस्तिष्क का साथ मिल जाए तो हम दुनिया का हर खजाना चुरा सकते हैं। मुझे तो भजिया चुराने के लिए 15 दिवस का कारावास दिया। ये मिट्टी यहां कैसे आई? ये
विजयनगर की न्याय व्यवस्था बिल्कुल उचित नहीं। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखती है। आप दोनों सत्य कह रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था, किंतु न जाने महाराज को क्या हो गया है, न सोच न विचार, जिस पर क्रोध आए उसे सीधा दंड दे देते हैं, वो भी इतनी सख्त सजा। चलिए मैं तो चोर हूँ, लेकिन आप तो विजयनगर और तेहरान के सम्मानी नागरिक हैं, और आपको भी हाँ? अरे महाराज को बहुत गुरूर घमंड आ गई है, वो किसी की कोई इज्जत नहीं करती है। अच्छा चोर महोदय, क्षमा करें मित्र, आपको ऐसा तुच्छ सा कार्य करने की क्या आवश्यकता थी? भजिया तो आप किसी से मांग भी सकते थे। मैं भिक्षा मांगूंगा? चोरी से तो बेहतर है ना। हाँ आप अभी छोटा चोर है ना, आपकी समझ में नहीं आई ये बात। मैं छोटा चोर नहीं हूँ, ये आपकी त्रुटि है। अच्छा तो इन्होंने ना कभी मेदू वड़ा अथवा उत्तपम अथवा शीरा ये सभी चुराया होगा। महोदय आप नहीं जानते हैं, एक बार ना जौहरी की दुकान पर उसे समक्ष बैठ के उसका हार चुरा लिया हमने, और उसे भनक तक नहीं पड़ी। लेकिन हमारा इरादा तो नेक था, पर महाराज ने फिर भी हमको कैदखाने में डाल दी। ये दोनों महाराज से नाराज हैं, यही सही अवसर है इन्हें अपनी योजना में सम्मिलित करने का। अगर ये दोनों महाज्ञानी मेरे साथी बन गए तो मजा आ जाएगा। बस ये लोग किसी तरह मिलकर एक अपराध कर लें, फिर इनके पास वापसी का कोई मार्ग नहीं रहेगा। पंडित रामकृष्ण और मुल्ला नसरुद्दीन महोदय को महाराज ने इतने तुच्छ से कारण के लिए कारागृह में बंदी बना दिया। एक छोटे से परिहास के लिए इतना कठोर दंड। यदि कभी हमसे कोई त्रुटि होगी तो क्या महाराज हमें भी कारागृह में बंदी बना देंगे? सत्य तो ये है, जब महाराज को क्रोध आता है तो ना तो उन्हें पंडित रामकृष्ण दिखाई देते हैं और ना ही हम दोनों। आप सत्य कह रही है महारानी चिन्ना देवी। आपको स्मरण है महारानी चिन्ना देवी, कुछ समय पूर्व महाराज ने क्रोध में हम दोनों को कैसा दंड दे दिया था? यदि हमारे आदेश का उल्लंघन हुआ तो आप दोनों को कारागृह में डाल दिया जाएगा। यदि भोजन में नमक अधिक हो गया तो देश निकाला दे देंगे, और यदि उनके आतिथ्य में कोई कमी रह गई तो मृत्यु दंड दे देंगे। महारानी चिन्ना देवी, ईश्वर की कृपा है कि हम दो दो हैं, तो महाराज के क्रोधित होने पर हम एक एक करके कारागृह जा सकते हैं। सोचिए यदि हम महाराज की अकेली पत्नी होते तो ज्ञात नहीं हमें कितने बार कारागृह जाना पड़ता। सत्य कह रही है आप, सत्य कह रही है। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, मुल्ला नसरुद्दीन महोदय उठिए। पंडित जी सोने दीजिए ना। अरे उठिए तो सही, क्या बात है, क्या हो? देखिए हाँ ये किधर की? वही तो। महाराज की जय हो। अभी अभी सूचना मिली है कि भानुमति जी अस्वस्थ हैं। आपको शीघ्र बुलाया है। उचित है, आप जाइए। हमें तत्काल बहन भानुमति के पास पहुंचना होगा। ये समय उचित नहीं है महारानियों को सूचित करने का, महामंत्री जी को सूचित करना होगा। मेरी बात तो सुनिए। आपको ज्ञात नहीं है, अगर आप मेरा साथ देंगे ना तो मैं आपके परिवार को ना इतना धन दूंगा कि आप सोच नहीं सकते। आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे पास कितना धन आने वाला है। क्या बात करी? और वो धन आएगा कहाँ से? मेरे पास एक योजना है जिसके अंतिम चरण तक मैं पहुंच चुका हूँ, बस आप दोनों मेरे साथ आ जाइए। पर बताओ योजना क्या है? बोलिए क्या योजना है, इतना धन कहाँ से आएगा बताइए। वो अरे अरे अरे, हम तो अपना दुख का साथी समझा था इनको, पर ये नहीं है। पंडित रामकृष्ण जी बुलाओ सैनी को, बहुत देर हो गया है। अरे अरे नहीं पंडित जी, मेरी बात तो सुनिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना एक सुरंग बनाई है और जिसका रास्ता ना राजकोष तक जाता है।
ये कारागृह से लेकर राजकोष और वहाँ से महल का बाहर तक का रास्ता सुरंग से जुड़ा हुआ है, ताकि मैं अंदर रहकर अपने साथियों की सहायता कर सकूँ। आज रात्रि मैं और मेरे भाई बहन इस चोरी की योजना को क्रियान्वित करेंगे। तत्पश्चात मैं पुनः कारागृह में आ जाऊंगा, जिससे किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। 15 दिवस के बाद जब मेरी दंड की अवधि समाप्त हो जाएगी, तब इस धन को हम आपस में बांट लेंगे और फिर बड़ी योजना बनाएंगे। आप संपूर्ण जीवन महाराज की सेवा करेंगे ना, तब भी इतना धन अर्जित नहीं कर सकते जितना कि मेरे साथ आप मिलकर एक रात्रि में अर्जित कर सकते हैं। यदि इसे मना कर दिया तो ये चोरी की बात से मुकर जाएगा, और महाराज से इस विषय में बात की तो उन्हें लगेगा कि कारागृह से निकलने की मेरी कोई युक्ति है। नहीं नहीं, मुझे इस चोर को ही रंगे हाथों पकड़वाना होगा। मुझे स्वीकार है, मैं आपका साथी बनने के लिए तैयार हूँ। हमको भी मंजूर है। हाँ, जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, दोनों मेरी योजना में सम्मिलित हो ही गए। से एक बात तो माननी पड़ेगी, आपकी जितनी बुद्धि तो मेरे पास भी नहीं है। अद्भुत अद्भुत। बस आप मेरे साथ ही बन जाइए, उसके बाद तो मिठाई मिठाई। वैसे यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। एक मंत्र है जिसे करने से सदैव हर कार्य में सफलता मिलती है। महान पंडित रामकृष्ण जी का हर एक सुझाव स्वीकार है, बस आप मेरे भागीदार बन जाइए एक बार। बोली बोली, क्या बोल रहे थे? जब आप राजकोष चोरी करने जाए ना, तो वो मंत्र वहाँ लिख दीजिएगा। कौन सा मंत्र? चांद तक सीढ़ी लगाओ, हवा महल बनाओ, भजी के साथ चटनी खाओ और ईश्वर का आशीर्वाद पाओ। मंत्र कुछ विचित्र नहीं है क्या? शिव 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 शिव, ईश्वर के मंत्रों को विचित्र नहीं कहा करते। वैसे यदि आपको इन सब पर विश्वास नहीं तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं। पंडित रामकृष्ण की बात मान लेता हूँ, क्या पता इसमें कुछ लाभ हो। आपका सुझाव मैं अवश्य मानूंगा और आपका ये संदेश मैं अपने भाई बहनों के पास पहुंचा देता हूँ। आशा है महाराज या महल में से किसी को समझ आ जाए कि ये संदेश हमने लिखवाया है। मैं राजकोष की चोरी का होना स्थगित तो नहीं कर सकता, परंतु महाराज तक सूचना तो पहुंचा ही सकता हूँ। भगवान, ईश्वर, समस्त राजकोष किसी ने एक रात्रि में लूट लिया। राजकोष की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। महामंत्री जी, जी कैसे हुआ ये सब? जी वो उत्तर दीजिए कोतवाल जी, राजकोष की सुरक्षा का दायित्व किसका है? किसका है ये सब कर्तव्य? ओ महारानी, ये वो किसी काम के नहीं है। महारानी, किसी काम के नहीं है। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? देखो कुछ बचा भी है या नहीं, देखो। महारानी तिरुमलम्मा, कृपया शांत हो जाइए, आप देख रही हैं ना, सभी चिंतित हैं यहाँ पर। महामंत्री जी, महाराज कहाँ हैं? महारानी जी, महाराज भानुमती जी के पास गए हैं, वो अस्वस्थ हैं। बहुत रात्रि हो गई थी और वो आप दोनों को चिंतित नहीं करना चाहते थे, इसीलिए महाराज हमें सूचित करके गए। महारानी जी, अब हम चोर की खोज में निकल रहे हैं। रुक जाइए महामंत्री जी, आप उस चोर को विजयनगर में नहीं ढूंढ पाएंगे। जी परंतु क्यों? क्योंकि हमें प्रतीत होता है कि वो चांद पर है। और उसे ढूंढने हेतु आपको उसी सीढ़ी का उपयोग करना होगा जो मुल्ला महोदय ने चांद पर जाने हेतु बनाई थी। महारानी तिरुमलम्बा, आप ये
क्या कह रही है? ये हम नहीं कह रहे गुरुवर, ये देखिए। ये सारे संकेत चोर द्वारा ही दिए गए हैं, परंतु हम भी बहुत चतुर हैं। देखिए, हमने सारे संकेत भेद लिए। चोर हवा महल में चांद पर रहता है, परंतु ये भजिया और चटनी का चांद से क्या संबंध है? अब समझे, महाराज ने पंडित रामाकृष्णा और मुल्ला नसरुद्दीन को कारागृह में क्यों भेजा था। पंडित रामाकृष्णा ने कारागृह में रहकर भी अपना कार्य कर ही दिया। महाराज सही थे, अद्भुत पंडित रामकृष्णा, अद्भुत। क्या महाराज या मंत्रीवर मेरा संदेश समझ पाए होंगे? क्षमा क्षमा मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हमारा कंधा उतार दिया पंडित जी। क्षमा, आया आया आया। तुमसे तुम्हारे भाई बहन मिलने आए हैं। आगे 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 आगे, आइए आइए। ये मेरे भाई बहन हैं। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैंने आपको बताया था ना, ये हमारी योजना में हमारे साथी हैं। क्या सूचना लेके आए हो? मिठाई गोदाम तक सकुशल पहुंच गई है। हैं? योजना सफल हो गई? हाँ, योजना सफल हुई। हुई हुई, अच्छा। तो मैं अब बहुत अधिक सावधान रहना होगा, मिठाई कोई और ना चुरा ले जाए। हाँ, हम सावधान रहेंगे। मेरा भाई इधर आओ, मेरा भाई इधर आओ। किसी ना किसी ने राजकोष में चोर द्वारा लिखा मेरा संदेश भी पढ़ लिया होगा अब तक, और उनको मेरा संकेत भी समझ आ ही गया होगा। मेरा भाई, हमको बताओ, तुम्हारे दोस्तों ने मिठाई किधर रखी है? हम इसलिए पूछती कि महफूज जगह पे रखी है ना, ये तो चीटियां सब मिठाई खा जाएगी। मिठाई ऐसे स्थान पर रखी है जहाँ पे चीटियों को मिठाई की सुगंध तक नहीं पहुँच सकती। क्या बात करती है! वाह वाह वाह, कितने बुद्धिमान है आप। मुझे तो आज तक यही नहीं पता कि विजयनगर में ऐसा स्थान भला है। कहाँ है? बिच्छुकों की बस्ती है, जहाँ पे कोई संदेह भी नहीं कर सकता। ये बात तो महाराज को बतानी होगी। किंतु चोर महोदय, भिक्षुकों की बस्ती तो अत्यंत विशाल है ना, वहाँ कहाँ? बस्ती में जो बड़ी वाली गली है ना। पंडित रामकृष्ण जी और मुल्ला नसरुद्दीन जी, महारानियों ने आप दोनों का दंड क्षमा कर दिया है। हाँ हाँ, आइए चलिए चलिए चलिए। आप चिंतित मत होइए, हम दोनों अभी भी आपके साथी हैं। हाँ, पंडित रामकृष्ण जी, आइए आइए। कोतवाल जी, हमें यहाँ से मत ले जाइए ना। अरे क्यों नहीं ले जाइए? क्यों, क्या है कि चोर महोदय के साथ घनिष्ठ मित्रता हो गई है, तो दो चार दिन यहीं इनके साथ बिता लेते। क्यों मुल्ला नसरुद्दीन महोदय? कोतवाल जी, इनको यहीं छोड़ दीजिए ना। हाँ, यह संभव है, महारानियों का आदेश और मुझे पालन कर रहा है। चलिए मैं कहता हूँ। अब कैसे बताऊं कि चोर बस उगलने ही वाला था कि ये राजकोष का धन कहां रखा है, उससे जानकारी लिए बिना कैसे जाऊं? कुछ और दिन सजा का मजा लेने दो। बाबा बाबा सुनिए, अब नहीं जाना, हमें यहीं रहने दो। रहने दो रहने दो रहने दो। अरे रहने दो रहने दो, अरे क्या विचित्र इंसान है, दंड मुक्त होने के बाद भी बंदी गृह में रहना चाहते? नहीं, कदापि नहीं। चलिए मेरे साथ आप। अरे सुनिए तो। अरे अरे चलिए चलिए चलिए। मुल्ला जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आती 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 आती। पंडित रामकृष्ण की जय, मुल्ला नसरुद्दीन की जय, पंडित रामकृष्ण की जय, मुल्ला नसरुद्दीन की जय, पंडित रामकृष्ण की जय। ये हम क्या देख रहे हैं? ये अभी तो गया था, अति शीघ्र बाहर आ गया, कैसे? याद नहीं गुरु जी। शाम दी, धन्यवाद। महारानी चिन्ना देवी, महारानी तिरुमलम्बा, महाराज ने इन्हें एक माह का दंड दिया था और ये एक दिवस के भीतर ही कारागृह से मुक्त हो गए, कैसे? जी गुरुवर,
ये संपूर्ण राजकोष के धन का प्रश्न है। महाराज की अनुपस्थिति में राजकोष का धन और स्वर्ण आदि को खोजने के लिए पंडित रामकृष्णा और मुल्ला नसरुद्दीन महोदय से उपयुक्त व्यक्ति और कौन हो सकता है। इसीलिए हमने आदेश दिया कि दोनों को कारागृह से मुक्त कर दिया जाए। महाराज को बहुत खेद है, कल उन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया। हम दोनों उनकी ओर से क्षमा चाहते हैं। नहीं नहीं महारानी जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो क्या रहा है? महारानी क्षमा मांग रही? क्षमा कीजिए महारानी, कृपया विस्तार में समझाइए कि ये बात क्या है। हम बताते हैं गुरुवर, इन दोनों को कारागृह में महाराज ने एक विशेष प्रयोजन से भेजा था, ये ज्ञात करने के लिए कि उस भजिया चोर की असली योजना क्या है और उसके साथी कितने हैं। वाह, हम दाद देते हैं आप दोनों की अक्लमंदी की। बिना बताए ही आपको ये पता चल गया कि आपको किस मकसद के साथ कारागृह भेजा गया है। पूर्व में तो मुझे अत्यंत बुरा लगा, किंतु जब उस चोर की असली योजना का ज्ञात हुआ तो मुझे महाराज के उद्देश्य का आभास हुआ। कैसा उद्देश्य? आपने मेरी भूख शांत की है, ये तो आपके लिए तुच्छ भेंट है। इतने बड़े हृदय वाला व्यक्ति चोर कैसे हो सकता है? ये सब महाराज की योजना का हिस्सा था और हमने इसमें उनका साथ दिया। जैसा महाराज चाहते थे हमने ज्ञात कर लिया कि चोर की असली योजना क्या है। उस पर दबाव डालने पर उसने हमें बताया कि वो राजकोष लूटने वाला है। फिर हमने उसे किसी तरह मनाया कि चोरी करते समय वो अपने साथियों द्वारा राजकोष में एक भित्ति पर वो संदेश लिखकर रख दे। हमें पूरा यकीन थी कि आप हमारा ये संकेत समझ जाएगी। हाँ। वही चांदर हवा महल का संकेत ना, हमें तो पूरा ही ज्ञात था। ये पंडित रामकृष्ण और मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की ही बुद्धि है। रुकिए। पंडित रामकृष्णा, इतना प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है। अभी राजकोष का धन प्राप्त नहीं हुआ है। तो बताइए पंडित रामकृष्णा, आपको तो यह भी ज्ञात होगा कि चोर ने राजकोष का स्वर्ण कहां छुपाया है। वही तो ज्ञात होने वाला था, किंतु ये कोतवाल महोदय आ गए और हमें खींचकर यहां ले आए। परंतु मैंने तो महारानी जी के आदेश का पालन किया है। पहली बार कैदखाने से आने में बुरा लग रही ना? हाँ। मुल्ला जी, ये व्यर्थ की वार्तालाप छोड़िए और आप पंडित रामकृष्णा सभी को सूचना दीजिए कि चोर ने राजकोष का स्वर्ण कहाँ छुपा रखा है। गुरुवर, केवल इतना ही पता चला है कि राजकोष का स्वर्ण भिक्षुकों की बस्ती में कहीं पर है। हमारे विचार से हमें भिक्षुओं की बस्ती में शीघ्र ही छापा मारना चाहिए। हम भी तो यही कहने वाले थे। नहीं महारानी जी, जब तक हमें सही स्थान का पता नहीं चल जाता हमें ये कदम नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो चोर और उसके साथी सतर्क हो जाएंगे। तब तो एक ही मार्ग है। Oh.